जल्दी से डाउनलोड करो फोरफोन एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे बहुत तुरंत पाँच पेटीएम कैश 50 टका जल्दी करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ घोषणा 80 कोटी भारतीयों प्रधानमंत्री बड़ घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे नवंबर पर्यंत मिलिबो मागणा राशन देशवासी को संबोधित करी अनलॉक 2 समय रे सतर्क रहिबा पई परामर्श देबा सह लॉकडाउन समय रे केंद्र सरकार देशर गरीबंक पई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अधीन रे ग्रहण करथिबा विभिन्न कार्यक्रम संपर्क रे मध्ये सूचना दैछंती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन सरकार आसंता 5 मास पर्यंत 80 कोटी गरीब भाई भौनी को मागणा राशन प्रदान करिवे। परिवार प्रत्येक सदस्य 5 किलोग्राम गहम किंबा चाउल पाइबे। एथिसह प्रति परिवार को मिलिबो 1 किलो डाली। एथिसह 1 किलो चना मध्य दियाजिबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिछंती। तो फ्रेंड नरेंद्र मोदी कौन घोषणा करछन्ती ता आपण माने वीडियो माध्यम रे नीचे तांकर वीडियो बार्तारु देखि नियंतु आ यहा पर आपण मानकर मतामत कौन रही छि कमेंट करी निश्चित भाबे जणाइबे। नमस्कार। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।